मैं हीरा अमित रोहिला, मेरा जन्म स्थान रोहतक हरियाणा रहा है। मेरी जो एजुकेशन हुई है वो इग्नू यूनिवर्सिटी दिल्ली से हुई है। उसके अलावा मैंने MBA में मार्केटिंग और HR में स्पेशलाइजेशन करा मल्टीनेशनल कंपनी टेलीकॉम में, जिसे मैंने एज ए ऑफिसर ज्वाइन किया। एक पड़ाव मेरे जीवन में भी आया जब मैंने अपने फादर साहब को खोया, एकदम चेंज हुआ मेरी लाइफ में। तो उसके बाद आया कोविड, तो उसमें मुझे एकदम लगा कि मुझे भी अब कुछ करना चाहिए। फिर मैं कुम्हारों से मिला तो मैंने सोचा कि अब मिट्टी की खुशबू राष्ट्रीय मुहिम इसका टाइटल रखते हैं। फिर इसको रजिस्ट्रेशन कराया, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना, पर्यावरण संरक्षण में पेड़ पौधे और हॉर्टिकल्चर का जो भी सॉल्यूशन है वो जन जन को बिल्कुल वाजिब दाम में बाकायदा नॉन प्रॉफिटेबल ड्राइव द्वारा देना। मैं हीरा अमित रोहिला, जो कि फाउंडर हूँ, मिट्टी की खुशबू राष्ट्रीय मुहिम का उद्देश्य मिट्टी से बने सामान को घर घर तक और जन जन तक लेकर जाना, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना, पर्यावरण संरक्षण में पेड़ पौधे और हॉर्टिकल्चर का जो भी सॉल्यूशन है वो जन जन को बिल्कुल वाजिब दाम में बाकायदा नॉन प्रॉफिटेबल ड्राइव द्वारा देना। मेरा जन्म स्थान रोहतक हरियाणा रहा है और मैं वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग DAV पब्लिक स्कूल से की है पूरी, और CBSE बोर्ड से मैंने अपनी पढ़ाई करी। रोहतक से जब मैंने अपने जीवन को, अपने बचपन को जिया है, वहाँ से जो मेरे को संस्कार मिले हैं, मेरे माता पिता से जो मुझे संस्कार मिले हैं, वो संस्कार मुझे आज एक राष्ट्रीय मुहिम, जो मिट्टी की खुशबू, जो मैं कुम्हार परिवार और अपनी वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के लिए, ये एक जन चेतना जगाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं। मेरी जो एजुकेशन हुई है वो इग्नू यूनिवर्सिटी दिल्ली से हुई है, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस रही है। उसके अलावा मैंने MBA में स्पेशलाइजेशन किया है। MBA में मैंने मार्केटिंग और HR में स्पेशलाइजेशन करा इंटरनेशनल मार्केटिंग में। आफ्टर माय ग्रेजुएशन जब मैं रोहतक से गुरुग्राम पे आया, तो वहाँ पर मैंने, जैसे कि एक ग्रेजुएशन करने के बाद जब इंसान पहुँचता है एक पड़ाव पे, तो वहाँ से फिर मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज के इंटरव्यू दिए, तो बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है टेलीकॉम में, जिसे मैंने एज ए ऑफिसर ज्वाइन किया। वहाँ पर से मेरे को बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली हुई। जैसे ग्रेजुएशन में जब इंसान काम करता है, तो मैं ये एक चीज़ जो एक चेतना जगती है कि एक पूरी एनर्जी के साथ जो आपने सीखा है, आप एक ग्रेजुएशन पे करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, उसमें आप मल्टीटास्किंग काम करते हैं, उसमें मैं एज ए ऑफिसर, बैकएंड ऑफिसर काम करता था, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से सीधा सीनियर ऑफिसर को विद इन 3 मंथ्स उन्होंने मेरे काम को देख के मेरे को बनाया। तब मुझे लगा कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री में जब एक ग्रेजुएशन एक जॉब करके अपने परफॉर्मेंस देता है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव था। उसके साथ साथ मेरी फिर MBA भी कंप्लीट होगी, फिर मैंने स्पेशलाइजेशन किया इंटरनेशनल मार्केटिंग में। जब मैंने यहाँ पर 4.5 साल अपने प्रॉपर स्पेंड करे, उसके बाद मैं अपने गुरुग्राम से दूसरे स्टेट में वहाँ पर काम किया। वहाँ पर मैं एशिया पैसिफिक टीम में एज ए मार्केटिंग कंसल्टेंट उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो बिल्कुल मेरे लिए चेंजर था कि अपनी जगह से अब मैं बिल्कुल बाहर निकल रहा था। उसके बाद मैं अब दूसरे स्टेट पे जा रहा हूँ, तो ये जो पड़ाव है, ये एक कहते हैं कि कोई सोचता है कि अगर मिडिल क्लास से सोच के कि हम क्या नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं लर्निंग कंटिन्यू रखी और एक एक स्टेप लर्न करके और सामाजिक इंट्रैक्शन विद पीपल, जीवन में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, उसमें से एक पड़ाव मेरे जीवन में भी आया जब मैंने अपने फादर साहब को खोया, बट उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। तब मैंने जब अपनी मार्केटिंग लाइन से, जब मैं मुंबई में था, वहाँ से मुझे वापस अपने गुरुग्राम आना हुआ, तो मैंने अपनी माताजी से प्रॉपर डिस्कस किया, तो मैं वापस यहीं पे उनको, क्योंकि माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता, माँ की सेवा सर्वोपरि मूल मंत्र को मैं मान के चल रहा था, और इस चीज़ को क्योंकि वो बहुत उनको मिस भी कर रही थी, तो मैंने अपने उनको कहा कि नहीं मम्मी, मैं यहीं पे गुरुग्राम में ही अपना फिर से स्टार्ट करूँगा। तो फिर मैंने अपना, बिल्कुल एकदम चेंज हुआ मेरी लाइफ में। अब फिर मैंने मार्केटिंग की जगह मैंने एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटीज़ के अंदर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर, एक सिक्योरिटी बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो जब मैंने वहाँ पर उनको अपना मल्टीनेशनल काम करके दिखाया, तो अब वो जो मेरी जो पुरानी बैकग्राउंड थी, मेरी जर्नी थी
एजुकेशन थी उसके अंदर, मेरे मल्टीनेशनल कंपनीज का एक्सपीरियंस था, वो सब, और उसके बाद आपको एक सुरक्षा करनी है प्रीमाइसिस की, और फिर मेरी फायर एंड सेफ्टी की प्रॉपर ट्रेनिंग हुई, तो उसके बाद आया कोविड। कोविड बहुत ही बड़ी महामारी थी सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही दुखद टाइम था। तो उसमें मुझे एकदम लगा कि मुझे भी अब कुछ करना चाहिए, तो वहाँ पर मुझे सिविल डिफेंस में ज्वाइन करने का मुझे मौका मिला। तो आप बताएं, डे फर्स्ट से हमने प्रॉपर सिविल डिफेंस में, गुरुग्राम में, अलग अलग जगहों पे इसको प्रॉपर काम किया। जिस तरीके से हमारे सीनियर्स हमें जोनल उसमें गाइड करते थे, तो उसमें हम मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रॉपर उस जगह पे, स्लम उस प्रॉपर एरियाज में वहाँ पर जाते थे। तो जब हम उन एरिया से मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे, क्योंकि हमारे पास पूरी रिस्ट्रिक्शंस थी अपनी, और उस टाइम तक तो वैक्सीनेशन भी नहीं आया था, पर जब वैक्सीनेशन तो बहुत बाद में आया है, और हमें उस चीज़ को कंट्रोल करना था, तो जैसे हमारे सीनियर्स ने हमें प्रॉपर मेंटोर किया, और हमने अपनी स्किल्स से और अपने प्रॉपर टीम वर्क की तरह उसको करके दिखाया, तो तब तक वैक्सीनेशन भी फिर आया था, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और हम रेगुलर कनेक्ट हो रहे थे। उसके बाद फिर मैंने, जब इसके बाद ये टाइम पूरा सक्सेसफुली सबने सेफली रहे, और बहुत सारी चीज़ें दुखद हमने देखी हैं, उसके बावजूद जो एकदम चेंज आया, तो अब फिर मैंने सोचा कि अब मुझे प्रोफेशनल उसके साथ साथ अपने को साथ में समाज सेवा के साथ में हमेशा ही जुड़ा रहूँगा। फिर मैंने एक अपना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराया, एक उसको सोचा, और उसमें अपनी सारी लाइफ का प्रॉपर पूरी एक्सपर्टीज़ लगाई, तो मिट्टी की खुशबू राष्ट्रीय मुहिम में एक प्रॉपर इसको रजिस्ट्रेशन कराया। 18 जून 2021 को मैं किसी से मिलने जा रहा था, दोपहर का टाइम था और बारिश जैसे मौसम हो रहा था, तो उसमें ड्रिजल हुई थी, तो उसमें जैसे मिट्टी की खुशबू आती है, तो एक सॉन्ग चल रहा था, बहुत ही अच्छे बड़े सिंगर का सॉन्ग है, मिट्टी की खुशबू आई, आप सबने सुना होगा। तो उस सॉन्ग से मुझे एक इंस्पिरेशन आई, या मुझे ऐसा लगा ड्राइव करते करते कि मुझे कुछ करना चाहिए, और अब जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ, जिनका जन्मदिन है, तो उनके लिए अगर मुझे कुछ सम्मान स्वरूप या उपहार स्वरूप कुछ देना है, तो मैं रास्ते में बहुत सारे मिट्टी का सामान रखे हुए थे, तो मैंने वहाँ पर गाड़ी रोकी, और फिर मैंने वहाँ से एक चूज़ किया, और मैंने जब उनको दिया सम्मानित जन को, तो वो बहुत ज़्यादा नेतृत्व खुश हुए, फिर इसको रजिस्ट्रेशन कराया। और जो मेरे बचपन से जो मैं एनवायरनमेंट और पर्यावरण के साथ कनेक्ट रहा हूँ, तो उस सबको जब मैंने क्लब करा, तो मैंने सोचा कि अब मिट्टी की खुशबू राष्ट्रीय मुहिम इसका टाइटल रखते हैं। फिर मैं कुम्हारों से मिला, अब जब मैं कुम्हार मिलता हूँ, आप जब रोड पे चलते हैं, तो वो हर कोई कुम्हार नहीं होता है, वो लुहार होते हैं, जो सामान कुम्हारों से लेके आते हैं। कुम्हार तो अलग जगह पे होता है, जो कुम्हार बनाता है, और मैं कुम्हार की कॉलोनी में गया, और वहाँ पर जब मैंने उनसे बातचीत करी, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि सर कोई तो आया हमारी इस चीज़ को लेके, या हमारी कोई सुध लेने या कोई चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मैं जब मैंने उनसे मिला और मैंने उनको बताया कि मिट्टी की खुशबू राष्ट्रीय मुहिम एक हमने इनिशिएटिव लिया है, और हम आपके लिए नए ऑर्डर लेके आया करेंगे, आपके लिए प्रॉपर अलग 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 घर तक, जन जन तक हम लेके जाएंगे आपके सामान को, तो उनका जो फेस था और उनके जो एक झलक थी, और जो उन्होंने आशीर्वाद वहाँ पर मिला, जब मैंने उनको बताया कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं इसको हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, और मैंने अपने बारे में उनको बताया, तो वो इतने खुश हैं कि आज तक तो किसी ने ऐसा पूछा नहीं, बट आपने जो ये बोला है, आप क्या करेंगे ये? तो मैंने कहा हाँ ये करेंगे, और मैंने उनको पहला ऑर्डर करके दिखाया। उनको जो उनकी मेहनत का वो दिया सम्मान, तो वो इतने ज़्यादा खुश हुए। तो यही तो मिट्टी की खुशबू का उद्देश्य था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई हम स्टार्टअप करते हैं, या कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो उसके अंदर कुछ चैलेंजेस आती हैं, कुछ मुश्किलें आती हैं। तो सबसे पहले मुझे जो मुश्किलें आई, और सबसे पहले मैं बताऊंगा जिसमें मुझे सबसे अच्छा, जो मुझे घर से मुझे मेरी माता जी का एक सहानुभूति मिली, और उन्होंने कहा कि तू ये वाला मिट्टी का और पर्यावरण से बचपन से काम कर रहा है, तो घर से जब बूस्ट मिला, तो मैं फिर आगे गया, लोगों से मिला, इस कुम्हार इन कुम्हार से मिला, कुम्हारों की तकलीफ़ें। अब मैं आपको बताता हूँ चैलेंजेस कहाँ पर हैं। चैलेंजेस हैं कि जब जो कुम्हार अपना सामान बना देता है, तो ये जो मिट्टी का उनको जो होती है, ये तो या तो हौद से, या तालाबों से, या नदी के उधर से, पोखर से, और या फिर खेतों से जहाँ प्रोडक्टिव मिट्टी होती है, वहाँ से वो गीली मिट्टी लेके आ सकते हैं हम। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा लर्निंग, क्योंकि मिट्टी भी
जो मिट्टी होती है, कोई भी कॉमन मिट्टी से आप कोई भी चीज़ नहीं बना सकते। तो ये जो कुम्हार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी हम ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं कर रहे हैं, अभी एक नॉर्मल स्टेज, एक जगह पे टेस्टिंग चल रही है, तो कुछ लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट करा, सरपंच ने कुछ ने, तो उन्होंने प्रॉपर मिट्टी अब उनको पहुँच रही है, और उनके जो ये चैलेंजेस हैं, हमारे पास मिट्टी से बने सभी तरह के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। एक कुल्हड़ से लेकर आप जग, मग, हांडी और तवे, यानी कि आप जो भी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम कस्टमाइज भी कर देते हैं। अब क्या है कि बात आती है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। मार्केट ये है कि जब हमने ये संकल्प लिया, जन जन तक जाना है हमें, तो 125 करोड़ तो भारतीय हैं ही, तो 125 करोड़ तक हमें रीच करनी है, तो ये तो उसकी मार्केट है। और अलग अलग स्टेट्स में हमारे अलग अलग हायरार्की जो मॉडल हमने बनाया है, जिसमें हम हर स्टेट का एक प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, यानी कि 15 मेंबर्स की पूरी हायरार्की हर स्टेट वाइज अब हम डेवलप कर देंगे। अभी हमने 7-8 स्टेट को प्रॉपर कवर करके उसको चला रहे हैं, टेस्टिंग फेज़ भी हमारा कम्प्लीट हो चुका है। तो जैसे हम नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हैं, तो पूरा भारत और जो इंडिया से हम ग्लोबली, अभी मैंने UK में ही अपनी एक ब्रांड एम्बेसडर इलेक्ट की है, तो वो UK के अंदर स्टडी कर रही है पॉटरी की, और उनको मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। तो अब हम इंडिया से ऑर्डर तो ले ही रहे हैं, बट अब हम ग्लोबली भी आगे जाके उनको कनेक्ट करेंगे। अगर युवा कुछ अपने साथ, अपने घर पे या कहीं पे भी कुछ रिटेल बनाना चाहते हैं, तो हम उनकी पूरी सपोर्ट करते हैं, मड पॉटरी से लेकर हॉर्टिकल्चर की पूरा कियोस्क बना के उनको उनके साथ शेयर करने के लिए हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं, और प्रॉपर उनको इसके अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल मार्जिन है और पोटेंशियल बहुत बड़ी मार्केट है, और इसके लिए 100 रोज़गार के अवसर तो अनगिनत हैं, करने वाले होने चाहिए। यही मैं सभी से निवेदन करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।